मूवी की शुरुआत में हमें नाजरेथ नाम के सिटी को दिखाया जाता है, जहां हम मैरी नाम की लेडी को देखते हैं जो डिनर करने जा रही थी। वही एक रैट उसका खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है, पर मैरी उसको थोड़ा सा खाना देती है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है जिसमें से एक आवाज निकलता है जो मैरी को कहता है कि तुम एक स्पेशल बच्चे को जन्म देने वाली हो जो आगे जाकर यहाँ का नया किंग बनने वाला है, इसलिए तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। जिसके बाद वो रोशनी जाकर एक स्टार में बदल जाती है जो बहुत तेजी से ग्लो करने लगता है। इसको देखकर वो रेड भी अपने दोस्तों को बताने चली जाती है। वो स्टार इतना तेज चमक रहा था कि बाकी एनिमल्स भी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, और उन्हीं में से हम एक बो नाम के डोंकी को देखते हैं जो एक बूढ़े डोंकी के साथ मिलकर एक मिल में काम कर रहे थे। पर वो जैसे ही उस स्टार को देखता है उसे लगता है कि शायद ये स्टार मेरी किस्मत बदल देगी, पर वो बूढ़ा डोंकी उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब बकवास है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर सुबह होने पर उसका दोस्त देव उसे मिलने आता है जो बताता है कि आज हमारे सिटी से शाही सवारी निकलने वाली है, जिसको सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसमें शामिल होने का डिसाइड करता है ताकि वो दुनिया भर में घूम सके, क्योंकि वो हमेशा से एक बंद कमरे में चक्की पीसते आ रहा था। इसलिए वो एक प्लान बनाकर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है, पर तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है और उसको दोबारा बांध देता है। पर वो गुस्सा होकर कहता है कि एक ना एक दिन मैं जरूर यहाँ से भाग जाऊंगा। अब 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन वो अब भी वही बंदा होता है, पर उस बुरे डोंकी को उस पर तरस आ जाता है और वो एक प्लान बनाकर ऑनर को चकमा देते हुए बो को छुड़ाकर वहाँ से भगा देता है। फिर ऑनर भी उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच बो के पैर में चोट लग जाती है, पर फिर भी वो किसी तरह बचते बचाते मैरी के घर पहुँचता है। फिर मैरी उसके पेन को देखते हुए अपने दुपट्टे से उसके पैर को बैंडेज कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैरी अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहती थी, पर जोसेफ जैसे ही बो को देखता है वो उसे भगाने लगता है, पर मैरी उसे कहती है कि उसको मत भगाओ, इसके पैर ठीक होने तक हम इसको अपने साथ रखेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद डेब आता है और बो को कहता है कि तुम्हारा ऑनर अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए वो उसका पैर ठीक होने तक वही चुप कर रहने का डिसाइड करता है। आगे हम देखते हैं 3 व्यापारी को जो अपने कैमल्स के साथ आते हैं किंग के पास और कहते हैं कि हम उस स्पेशल बेबी जो आगे जाकर यहाँ का नया किंग बनने वाला है उसको हम तोहफा देने आए हैं। पर इसको सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन 3 व्यापारी को कैद कर लेता है और अपने हंटर को बुलाता है जिसके पास 2 खूंखार डॉग्स थे। वो उन्हें कहता है कि उस बेबी को ढूंढकर खत्म कर दो। उसके बाद हम उसी रैट को देखते हैं जो अपने सारे दोस्तों को उस भविष्यवाणी के बारे में बता रही थी, लेकिन तभी वो दोनों डॉग्स उसको पकड़ लेते हैं और उसे उस बेबी के बारे में पूछते हैं। अब जैसे कि वो रैट काफी डरी हुई थी इसलिए वो मैरी के बारे में बता देती है। फिर वो दोनों डॉग्स हंटर के साथ निकल जाते हैं नाजरेथ सिटी की ओर। उसके बाद हम देखते हैं जोसेफ और मैरी किसी काम से दूसरे सिटी बेथलहम जाने की तैयारी कर रहे थे। जोसेफ बो को अपने कार से बांधने की कोशिश करता है पर बो उसके पकड़ में नहीं आता। इसको देखकर मैरी कहती है कि जाने भी दो, हम पैदल चलते हैं। उसके बाद वो दोनों दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हंटर भी अपने डॉग्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो दोनों डॉग्स बो को मैरी के बारे में पूछते हैं पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता, पर उसके पैर में मैरी का बंधा हुआ उस दुपट्टे की स्मेल सुनकर वो उनको ढूंढने निकल जाते हैं। अब बो को भी मैरी और जोसेफ की चिंता होने लगती है और वो उनको बचाने निकल जाता है, पर आगे हमें पता चलता है कि ये उन डॉग्स का ही प्लान था। अब वो भी बो का पीछा करने लगते हैं। वही डेब के बताए शॉर्टकट रास्ते से होते हुए वो दोनों मैरी और जोसेफ के नजदीक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से उन्हें ऊंची घाटी से नीचे उतरना था। फिर वो बहुत डर डर के उतरने लगता है, लेकिन इसी बीच उसे एक शिप मिल जाती है जिसका नाम था रुथ। वो उसे नीचे उतरने में मदद करती है। फिर वो भी उन दोनों के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेबी अभी तक ना मिलने की वजह से किंग बहुत ही गुस्से में था, इसलिए वो उन 3 व्यापारी को छोड़ देता है और कहता है कि तुम उस बेबी के पास जा सकते हो, पर वो जैसे ही तुम्हें मिल जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। एक्चुअली वो उनके जरिए ही बेबी का पता लगाना चाहता था ताकि वो उसको मार सके। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ मैरी और जोसेफ के पास पहुंच जाते हैं और उनको उस हंटर के बारे में बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात समझ नहीं पाते। तभी वहाँ पर वो हंटर भी आ जाता है, लेकिन मैरी को बचाने के लिए वो उसको खींचते हुए ले जाता है सामने में लगे एक मेले में। फिर हंटर भी वहाँ आकर उस भीड़ में मैरी को ढूंढने लगता है और जैसे ही वो उसे मिल जाती है वो उसके पास जाने लगता है उसको मारने, पर वो एक दिमाग लगाता है, वो जोसेफ की कार्ड को मेले की ओर धकेल देता है जिससे मेले में हर तरफ तोड़फोड़ होने लगती है, पर इससे वो हंटर एक कुएं में गिर जाता है और इसी तरह मैरी की जान भी बच जाती है। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जोसेफ मेले में हुए नुकसान की वजह से बो पर बहुत गुस्सा करता है और उसको वहाँ से भगा देता है। वो भी उदास होकर डेब के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो हंटर भी कुएं से निकल चुका था और दोबारा अपने डॉग्स के साथ उन्हें ढूंढने चला जाता है। वही बो और डेब को रास्ते में शाही सवारी मिल जाती है और वो उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैरी का दुपट्टा ऊपर उड़ जाता है जिससे बो को एहसास होता है कि उसे मैरी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसके बाद वो दोबारा डेब के साथ उनके पास चले जाते हैं। अब जोसेफ का कार्ड भी टूट चुका था इसलिए वो मैरी को अपने ऊपर बिठाकर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं बेथलहम सिटी। फिर वो रहने के लिए होटल ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर वो 3 व्यापारी भी पहुंच चुके थे और वो भी उस बेबी को ढूंढने लगते हैं। तभी बो का ओनर भी वहाँ आ जाता है और उसको पकड़ के एक शेड में ले जाकर बांध देता है, जहाँ उसे कुछ दूसरे जानवर मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि हम बहुत महीनों से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस स्टार की रोशनी सीधे हमारे मैंगर पर पड़ रही है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो बेबी यहीं पर बॉर्न होने वाला है और इसी वजह से वो स्टार हमको यहाँ पर ले आई है। जिसके बाद वो उन एनिमल्स की मदद से वहाँ से एस्केप कर जाता है और देखता है कि वो हंटर यहाँ भी पहुंच चुका है। फिर वो मैरी और जोसेफ को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे डेब और रूथ मिल जाते हैं जिनको वो और भी मदद लाने को भेजता है हंटर को रोकने के लिए। जिसके बाद डेब को रास्ते में वो 3 कैमल्स मिल जाते हैं और रूथ भी अपने झुंड के पास जाती है मदद के लिए, लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर वो उन पर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर वही रोशनी आती है जो सबको मैरी की मदद करने को कहता है, जिसके बाद पूरा शिप का झुंड रूथ के साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि जोसेफ और मैरी को कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था और मैरी की तबीयत खराब होती जा रही थी, और तभी वहाँ पर वो भी आ पहुंचता है, लेकिन वो हंटर्स के डॉग्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो मैरी को बिठाकर किसी तरह उसी शेड में ले जाता है और उन डॉग्स का सामना करने के लिए बाहर आता है, पर वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं।
तभी वो हंटर भी वहाँ आ जाता है और शेड के अंदर जाने वाला होता है कि डेब और रूथ पूरे शिप के झुंड और उन तीनों कैमल्स के साथ आकर उसको मजा चखाते हैं और उसे उसके डॉग्स के साथ खाई में लटका देते हैं। ये देखकर बो को उन पर तरस आ जाता है और वो उनको बचाने की कोशिश करता है, पर हंटर खुद बचने के लिए अपने डॉग्स को नीचे गिरा देता है ताकि वेट कम हो जाए, लेकिन फिर भी चट्टान टूटने की वजह से वो भी नीचे गिरकर मारा जाता है। लेकिन बो उन दोनों डॉग्स को किसी तरह बचाकर ऊपर ले आता है, जिसके बाद उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सभी मैरी और जोसेफ के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनका बेबी बॉर्न हो चुका है, जिसका नाम वो जीसस रखते हैं। फिर वो तीन व्यापारी भी आते हैं और उसको तोहफा देते हैं और सभी अपने आने वाले नए किंग को सर झुकाकर रेस्पेक्ट देते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर मैरी उसको अपने साथ रहने को कहती है और इसी तरह इस मूवी की यही पर हैप्पी एंडिंग होती है।